तो देश भर में क्या है आज नवरात्र की रौनक, हमारे साथ तीन संवाददाता जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ गिरीश निशाना मौजूद है, कोलकाता से सुप्रकाश चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे साथ विकास सिंह जुड़े हुए हैं। हम सीधे पहले कोलकाता लिए चलते हैं सुप्रकाश के पास। सुप्रकाश, किस तरह की रौनक इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि कोविड को देखते हुए प्रोटोकॉल लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, इस बार जो पंडाल है उनकी थीम भी बहुत अलग तरीके की है, किस तरह के नजारे हैं? कोलकाता का सबसे बड़ा उत्सव दुर्गा पूजा है, इसलिए हर साल यहाँ पर लोगों ने ये अपेक्षा करते हैं कि दुर्गा पूजा समारोह में शामिल होने के लिए। और दुर्गा पूजा पंडाल में चार दिन में चलते हैं, आज उसका तीसरा डे है और तीसरा डे में महाअष्टमी बोला जाता है। माँ दुर्गा ने इसी महाअष्टमी और नवमी का अवसर में महिषासुर को वध किया था और इसी अवसर में माँ दुर्गा का विशेष पूजा यह होती है, इसीलिए आज महाअष्टमी का अवसर में सुबह से ही पंडाल में लोगों का ज्यादा भीड़ जमी है और यहाँ लोगों ने स्पेशल कोलकाता में जो थीम का पूजा होता है, जैसा हम लोग आए हैं मानिकोट कल्चरल में, यहाँ पे जो थीम का पूजा में सुबह से ही भीड़ हो चुके हैं और जब तक रात इतना ज्यादा बढ़ रहा और लोगों का भीड़ ज्यादा हो रहा। सबसे बोलने का बात है कि इस बार अदालत ने एक राय दिया है कि कोविड विधि कंप्लीटली मेंटेन करके चलना चाहिए और इसीलिए हर पूजा पंडाल में जी बिल्कुल सुप्रकाश, कोलकाता में तो जो रौनक है ही वो तो दिखाई दे ही रही है। दिल्ली में हम गिरीश के पास भी एक बार रुक कर लेते हैं कि दिल्ली में महागौरी की जो आज पूजा की गई, आज कन्याओं का भी पूजन किया गया, दिल्ली के मंदिरों में आज किस तरह की धूम है? गिरीश देखिए रीमा, मैं आपको बताना चाहूंगा देश की राजधानी दिल्ली में भी महाअष्टमी को लेकर पूरा उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लोग जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे थे। मैं इस समय मेट्रो रोड स्थित दुर्गा पंडाल में हूं, यहां भी इस पंडाल को भव्य रूप में सजाया गया है। आज काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने अष्टमी पूजी, कुछ लोगों ने कल सप्तमी पूजी कन्याओं का पूजन। लखनऊ में विकास के पास भी हम देख लेते हैं कि राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में किस तरह की रौनक है, किस तरह की धूम है और कोविड प्रोटोकॉल जिसकी हम बात लगातार कर रहे हैं वहां पर क्या दिखाई दे रहा है? विकास बिल्कुल, आज महाअष्टमी के दिन आप देख सकते हैं हमारे पीछे हम चंद्रिका माता जी के मंदिर में हैं। आज भोर से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है, हम देख सकते हैं आस्था किस तरीके से मंदिरों में उमड़ी है। आज ही यहीं पे मंदिर में ढेर सारी व्यवस्थाएं भी हैं, अनुष्ठान किए जा रहे हैं, यहाँ पे कन्या भोज भी कराया जा रहा है, साथ ही साथ हवन का भी कार्यक्रम यहाँ पर जारी है। माँ की अनुकंपा से हर कोई आगे बढ़ता है तो हम उस नारी शक्ति, उस दिव्य रूप को हर नारी में देखें, सब हर नारी की पूजा करें, यही हम सबको आज के दिन संकल्प लेना चाहिए, चाहे वो कन्या हो, चाहे हमारी माता हो, चाहे हमारी बहनें हो। बिल्कुल विकास, बहुत अच्छी आपने बात कही। तीनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया और आदि शक्ति माँ शक्ति दुर्गा की कृपा सभी पर हो ऐसी मनोकामना के साथ हम सब आपको डीडी न्यूज की तरफ से भी बधाई देते हैं नवरात्र की और उम्मीद करते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही आप आने वाले ये त्योहार जो हैं उन्हें मनाएंगे। फिलहाल आज के लिए न्यूज नाइट में इतना ही और कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।